आज हमारी पूरे ज़िले की मंडल की टीम यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से सिर्फ ये इंडिकेशन देने आई है कि हालातों को केंद्र सरकार को जिलाधिकारी महोदय बात करें, केंद्र सरकार से या राष्ट्रपति महोदय से बात करें और जाकर इस मामले में, त्रिपुरा के मामले में तत्काल संज्ञान लें, अन्यथा इत्यादि मिल्लत विवश हो जाएगी सड़कों पर आने के लिए। हम तमाम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष की तमाम खानखाओं के लोगों के पास जाकर हम ये कहेंगे कि जब हमारा ईमान ही महफूज नहीं है, हमारे कलाम पाक की पूरे बेहरमतियाँ हो रही हैं, हमारे मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर तोड़ी जा रही हैं, इस तरीके की दोरंगी पॉलिसी इत्यादि मिल्लत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान बहुत जल्द एक बड़ा स्टेप लेंगे और ये केंद्र सरकार को ये बताएंगे कि आने वाला समय में अगर कोई किसी, जब हम किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाते तो हम किसी को अधिकार नहीं देते ये मुस्लिम समाज की इबादत गाहों को और कलाम पाक की बेहरमती करे, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ये फैसला कर लेंगे, जैसे अभी तक मौलाना ने एहतजाज किए हैं और वो इस देश की अखंडता और प्रभुता बनाए रखने के साथ साथ ये वायदा करते हैं कि मुसलमानों के साथ अगर कहीं पर ज्यादती है, कहीं पर अन्याय होगा तो इत्तेहादे मिल्लत हमेशा रोड पर आई है और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी रोड पर आएगी और आती रहेगी। हम सब बताइए बताइए हमारी सर जी कलेक्टर ऑफिस आए, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है जो त्रिपुरा में जो मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया जा रहा है, कुरान मस्जिद को जलाया जा रहा है, त्रिपुरा में मुस्लिमों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है, वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, इसलिए हम जो डीएम साहब के यहाँ जो है ज्ञापन लेकर के आए हैं कि वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जाए और नहीं रुकता है तो फिर हमारी IMC मौलाना तौकीर रज़ा भाई कारा। अरे कहाँ घुसे जा,